सो फाइनली उसका डीलर का कॉल आया, अभी बात तो बहुत सुबह की हुई थी, 7-8 बजे की, अभी 9 बज रहे हैं, तो लेट इट बी, हम लेके आएंगे डॉग और देखते हैं कैसा ऐसा है वो, आई एम एक्साइटेड, सो अभी लेके आते हैं उसको, स्टे ट्यून्ड। अभी डॉग तो आ चाहिए, बस अब नहीं पता मुझे ही सेइंग कि ऑन द वे पटियाला से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, इतनी दूर से आ रहा है थोड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। A few moments later. So guys, आप रेडी हैं देखने के लिए? Here he is. मेरा डॉग. देख. Say hi to everyone, जो हमें अब हर रोज देखेंगे। अच्छा ये थोड़ा भी नाम है, अब देख रहा है। And आप प्लीज कमेंट में बताना कौन क्यूट है, प्लीज इसका नाम देना, मेरा नाम कोई ना लिए, ठीक है, क्योंकि कुटी बॉय बहुत क्यूट है। So अब हम घर जाएंगे, इसका गृह प्रवेश करवाएंगे। अभी मम्मा अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने बोला आप वो ले आए जोत की प्लेट वगैरह, टीका लगाएं इसको, क्योंकि नजर तो आनी पड़ेगी। आपने किसी से नजर लगाई? नजर मत लगाना, वैसे मिलने आ जाना, कोई चक्कर नहीं। अरे अभी ये गुड्डू छा बच्चा तो है, इसको नहीं लगाओगे आप? सॉरी, इट्स अ वेरी लवली लवली फीलिंग यार सच्ची। सो अब हम करने जा रहे हैं अपने पप्पू का, वैसे इसका अभी नामकरण करेंगे अभी हम जैसे इसकी गृह प्रवेश करवाएंगे इसका, हम वेट कर रहे हैं, हमें अंदर बुलाओ, इट्स सो बोरिंग है ना। मम्मा हमारे को अंदर लाओ, डर गया। जय माता दी। पंजों पे हाथ लगाओ इसके, दिल का मच्छा आपको पास के। श्रीमान जी अपना आई गेस मूत्र विसर्जन करते हुए या पॉटी करते हुए, पॉटी करते
नहीं उसने। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ी देर के लिए अंदर रखा है, बट ये श्रीमान जी अंदर नहीं रुक पा रहे हैं, इनको बाहर ही घूमते रहना है आज, और ये घूमेंगे, इनको कोई रोक कोई नहीं रोक सकता। अब ये मेरा पूरा जायजा लेते हुए, वो देखो हो गया शुरू। ये खेलेंगे हमसे, ऑब्वियसली खेलेंगे आप हमसे। बोलता तेरा हो गया, अब मैं कर लूँ अपना। अब चुर हो रहा है, जान पहचान कर रहा है कहाँ होना, ऊंची ला रहा है यार। पता नहीं सो so, मेरा पप्पी भी बहुत थक चुका है, अभी सोया हुआ था, अभी उसको ऊपर लेके आया फिर रूम में, तब ये सो रहा है। तो अब इसका मील का टाइम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रैवल करके आया था जहाँ पे भी, जहाँ से इसको मैं लेके आया हूँ, तो उस हिसाब से हमें उस अकॉर्डिंगली हमें तब नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब इनका जो ट्रैवलिंग के टाइम पे हम एकदम से देते हैं तो वॉमिट का चांसेस होती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ हम देंगे आज इसको, डॉगी को, कुकू सोया है, ठीक है। तो इसका ये मेजरेबल कप भी है, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे वेट के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो अगर आपका पग जो पपी का वेट 1 से 2 kg है, तो उसको 10 ग्राम देना है 30 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। और टाइम वो भी दिया प्रोपोर्शन, फीड पर डे 4 times, 3 to 4 times, 2 to 3 times, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कोई इश्यूज हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो कोई इशू नहीं होता, इसमें सारा गाइड देता है, और इसके साथ हमें मेजरेबल कप भी मिला है, तो कोई इशू ही नहीं है, हम बहुत ही सिक्योरिटी चल सकते हैं, पपी के साथ ही कुछ होना, उसको कुछ साइड इफेक्ट ना हो, या लूज मोशन ना लगे, लूज मोशन बहुत कॉमन होते हैं, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती उसको, बट लेट्स अवॉइड इट बाय गिविंग आवर पपी अ राइट प्रोपोर्शन ऑफ फीड। तो ये है, अब हम इसका वेट करेंगे, मन तो नहीं कर रहा है इसको उठाने का, ये बहुत प्यारी नींद हो रही है, बट हमें उठाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको हमें डाइट भी देनी है। वेटिंग मशीन निकालते हैं, शायद उसी के बाद से उठ जाएगा ये। उठा? चलो वेट करते हैं आपका, चलो। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। सो अब हम इसका वेट करेंगे, इसका वेट आ रहा है पूरा 2 kg, और उस पे भी सो गया है। ओए लेजी बंदे, मेरे पे क्या गया तू, खा लेते हैं, देखो भूख लगी है इसको, कहीं भी सो जा रहा है ये। तो अब हम इसका फीड करेंगे, हम इसकी फीड देंगे इसको, कि थोड़ा एक्टिव हो जाए, इसको अपनी प्यारी सी नींद आए, क्योंकि ये कॉमन होता है, छोटे बच्चे सोते ही हैं, ज़्यादा टाइम सोएंगे उतनी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हम इसको फीड देते हैं पहले, तो फिर कुछ ला देंगे, हो गया। चलो फिर फीड रेडी करते हैं। आज मेरी कंपनी पहली फीड, दो आपकी फीड आ गई, रेडी है, इट्स रेडी।
सो गाइस अभी मैं सो रहा था ठीक, एंड मैंने इसको एक मतलब इसके वो घर पे सुनाया हुआ था उस कमरे पे जहाँ पे एसी नहीं है ठीक है। तो ये चुपचाप उसे उठ के आवाज़ें करने लग गया। एंड अब जहाँ पे देखो एसी रूम में लगा है, अब यहाँ पे देखो वहाँ से बिल्कुल चैन की नींद सो रही है। मतलब मुझे लगा था इनको एसी की नींद नहीं है, बट ये अपने बेड से उठ के नीचे फर्श में सो गया था। मुझे पता चल गया था इसको गर्मी लग रही है, तो मैं इसको चुपचाप एसी में लगाया। बट छोटा पपी है तो इसको जो आप पिलो लेते हैं, आप अपन जो बोलते हैं ना ओढ़ने को जो लेते हैं, ढकने को जो लेते हैं, वो प्लीज़ ढकाना, क्योंकि बॉडी भी ठंडी होनी चाहिए कि बच्चा भी है ठीक है, सो ठंड भी रह सकती है। तो देखो ये सोया हुआ है, एंड ये हमने जो ओढ़ने के लिए लिया हुआ है वो इसको भी दिया हुआ है थोड़ा सा। सो गुड नाइट गाइस, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको थोड़ा सा अपडेट देना था क्योंकि ये साला सोने दे रहा है, साला है बट मेरा है।